राजीव टंडन है। मैं श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस बरेली में पल्मोनरी मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पूरे विश्व जो है कोरोना की महामारी से जूझ रहा है और भारत में भी इसके केसेस और इनसे होने वाली मृत्यु के बारे में आपको पहले से ही पता होगा। मैं सिर्फ आज इस विषय पर यह कहना चाहता हूँ कि समाचार पत्र, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इन सब के माध्यम से लोगों में भ्रांति पैदा हो गई है कुछ दवाइयों के बारे में, जिनमें से एक दवा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। लोगों ने इसको एक प्रकार की वंडर ड्रग, चमत्कार दिखाने वाली दवा मानना शुरू कर दिया है। इसको अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ये सोचते हैं कि इसको देने से मरीज ठीक हो जाता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये दवा केवल दो स्थितियों में ही अभी तक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको इस्तेमाल करने की अनुमति दी है, उन मरीजों में जो कोरोना पॉजिटिव है और जो गंभीर रूप से बीमार है उसके अंदर इसके इलाज करने की अनुमति दी गई है। जो सामान्य रूप से या मॉडरेट रूप से बीमार है उसमें नहीं प्रयोग करना है, और बचाव जिसे हम प्रोफाइलिस्ट कहते हैं उसमें उन लोगों में इसके प्रयोग की अनुमति मिली है। नंबर एक, जो स्वास्थ्य कर्मी संदेहास्पद या कन्फर्म मरीज कोरोना के हैं उनकी देखभाल में लगे हुए हैं उनमें, और जो कोरोना के पॉजिटिव मरीज घर में उनके साथ रहने वाले लोगों के अंदर इस दवा के प्रयोग की अनुमति मिली है। अन्य किसी भी परिस्थिति में इसका प्रयोग करने की ना